रविवार को शहर में एक होटल में राष्ट्रीय लोकदल की जिला इकाई द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रालोद के नए जिला अध्यक्ष बाबू लाल युवा, रालोद के राष्ट्रीय महासचिव अतुल सिसोदिया और ब्रज प्रांत के अध्यक्ष जगपाल चौधरी का स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजन सिंह सिकरबार, रामवीर भरंगा, राजपाल भरंगा, नरेंद्र सिंह एडवोकेट, पूर्व जिला अध्यक्ष रामरसपाल पोनिया, कुंवर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर अशोक अग्रवाल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संबंध में नए जिला अध्यक्ष बाबूलाल ने कहा कि रालोद के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वह उसका बखूबी निर्वहन करेंगे, आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। इस दौरान नए जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाली विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाने और कार्यकर्ताओं को एकजुट कर विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने का भरोसा दिलाया। तो मुझे ऐसे एक साधारण व्यक्ति को जिले की कमान सौंपी है, उसमें मैं अपनी पूर्ण शक्ति से और पूर्ण निष्ठा पूर्वक मैं अपने कर्तव्य का वहन करूँगा और चौधरी चरण सिंह जी के मिशन को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। जिस तरीके से चौधरी साहब ने भाईचारा कायम किया था और सभी समाज को लेके चले थे और दलित, गरीब, मजदूर, किसान सभी को का जो साथ लेके चले थे, उसी तरीके से हमारी पार्टी और हम सब लोग मिलके उसमें कामयाब होंगे और उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे।